हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स। तो पिछली बार हमने कंप्लीट किया था मोल्टन मैग्मार मेन चैप्टर और दो बोनस चैप्टर जो कि थे सफारी जोन और शायद एंशियंट टर्टल। हाँ बिल्कुल वही था। तो हमें अब जाना है वापस फ्यूशिया सिटी की ओर क्योंकि हमें मिल गया है ओल्ड एम्बर और हाँ एचएम स्ट्रेंथ भी। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम ओल्ड एम्बर को रिवाइव कर सकते हैं क्या इस म्यूजियम में। आई एम अ सिक्योरिटी गार्ड हीयर, नो वन कैन स्टील एनी थिंग अंडर माई वॉच। सच में क्या आग लग गई ना फिर भी। आई लव लुकिंग एट फॉसिल्स, दे रिमाइंड मी ऑफ मी। आई एम प्रैक्टिकली अ लिविंग फॉसिल माई सेल्फ। पता नहीं क्या हो रहा है इधर। आई एम डाइंग फ्रॉम अ डिसीज, द ओनली क्योर इज अ किस फ्रॉम यू। क्या ये नो थैंक यू। Hi, it's a great fossil, isn't it? Our team calls it the spine fossil since it is shaped like a spine. Wow. So, what was that original Pokemon like? You know, it's kind of embarrassing, but our team is still trying to find the answer that. All we know is that the Pokemon originated from the Unova region. Unova region? That's correct. Wow, Unova region ka bhi zikr hua hai hamare पोकेमोन मांगा एडवेंचर्स में। अच्छा है अच्छा है। तो इस म्यूजियम में और कुछ भी नहीं है तो हम जाते हैं फ्यूशिया सिटी में। हमारे पास पैसा बहुत ही कम हो चुका है। ये वेयर डू यू वांट टू गो? फ्यूशिया फ्यूशिया फ्यूशिया। हाँ बिल्कुल फ्यूशिया सिटी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पोकेमोन फायर एश के एपिसोड्स क्यों बंद हो चुके हैं तो जो मैंने रिकॉर्ड किया था ना बहुत सारे वीडियो एक ही बार मैंने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे और वो वाले वीडियो पता नहीं मेरे कहाँ चले गए, सिर्फ ओएन तक ही थे। अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं फिर से वो लाऊंगा वापस। और यूनोवा एक्स वाई और अलोला मैं अपने आवाज़ डाल के ही खेलूँगा। ऑल राइट हियर गोस। HM4 स्ट्रेंथ Snorlax, एक सो स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग। हाँ बिल्कुल हम बहुत ताकतवर है बुढ़िया। तो इस तरफ क्या है? तो हम फिर से एक बार पानी में आ चुके हैं। ये सील हमें वापस ले जाएगा ऊपर। मिस्टी तुम हो क्या इधर? हमें क्या मिला? रेड फाउंड HM3 सर्फ। वाओ हमें एक के बाद एक नए HMs मिल रहे हैं। सर्फ, ओ एक ड्रैगनाइट वो भी पानी के अंदर। इट्स गॉन, द ड्रैगनाइट टुक माई HM3 सर्फ। वेयर डिड इट गो? चैप्टर 18 डीप सी सर्च। तो हमें उस ड्रैगनाइट को ढूंढ के पकड़ना है शायद। काश रेड ने ड्रैगनाइट भी पकड़ा होता तो वो ड्रैगनाइट कहाँ गया होगा। ओ ये रहा। ओ ये तो वापस चला गया उधर। देखते हैं कि मैं ड्रैगनाइट किधर गया। अरे बाबा ड्रैगनाइट, हे ड्रैगनाइट, अरे रुक जा ना ड्रैगनाइट। अरे यार कितने पोकेमोन है यहाँ पर? हाँ कितने पोकेमोन है यहाँ पर? ड्रैगनाइट किधर है यार? इसी तरफ होगा ड्रैगनाइट। बार बार ये क्रैबी क्यों आ रहा है यार? चलो एक क्रैबी ही पकड़ ही लेते हैं। मेगा पंच से तेरे को हरा देंगे हम क्रैबी।
अरे यार मेरे स्नोर को ही हरा दिया इसने तो। आ गया मुझे हमेशा से एक किंगलर चाहिए था, पर वो ड्रैगनेट कहाँ पर गया? शायद ऊपर गया होगा। हाँ ऊपर ही है। इट्स नॉट गेटिंग अवे इट्स दिस टाइम। क्या यार मेरी इंग्लिश बहुत खराब है। ड्रैगनाइट देखो यार कितना अच्छा दिख रहा है, पर मैं इसे नहीं पकड़ सकता, मुझे पता है। क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? देखते हैं। डैम इट इट्स नॉट डाउन येट। कम आउट पिकाचू पिकाचू। आई नो यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट एट वाटर कॉम्बैट, बट ऑल यू गॉटा डू इज डिस्ट्रैक्ट इट फॉर अ वाइल। क्विक स्नोरलैक्स। ओ गया रेड, मतलब हम गए। अर्ग आई कांट बिलीव इट, इट्स अ गैराडोस। मिस्टी लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। मिस्टी आई गॉट योर HM3 सर, बट आई थिंक द ड्रैगनाइट डैमेज इट व्हेन यू वेर फाइटिंग इट। रेड यू आर जस्ट एज रिकलेस एज यूजुअल गोइंग आफ्टर एन आइटम इन अ प्लेस लाइक दैट। हु नोज दैट यू हैव हैपेंड इफ गैराडोस एंड आई हैडन कम अलोंग। इफ यू वॉन्टेड टू क्रॉस द सी दिस बैडली यू शुड हैव कम टू नन अदर दैन द वॉटर टाइप स्पेशलिस्ट मिस्टी। कूल हाउ गैराडोस दैट्स हाउ। अब हाउ अबाउट दिस, इफ यू गेट मी अ क्रैबी आई विल ट्रेड यू माई गैराडोस, आई विल बी वेटिंग। वाह हमने अभी अभी तो एक क्रैबी पकड़ा था, तो हमें अब पोकेमोन सेंटर में जाना पड़ेगा ताकि हम अपने जियोडूड्स को रखें पीसी में और बाहर निकाले हमारा क्रैबी, प्यारा सा क्रैबी। 32 लेवल का था यार, मतलब हमें गैरेडोस भी 32 लेवल का मिलेगा डायरेक्ट। तो हमें करना है मूव पोकेमोन। पर इतना ताकतवर गैराडोस मिस्टी के पास है, वो क्यों ट्रेड करेगी एक क्रैबी के लिए? सोचो, मतलब हमारा घाटा भी हो सकता है। तो घाटा होने से बचने के लिए मैं अपना गेम पहले सेव कर लेता हूँ। रेड ट्रेडेड क्रैबी फॉर अ गैराडोस। वाह हमें गैराडोस मिल गया, इसका नाम कुछ तो भी रखना था मुझे। क्या रखे, गायरा रखते हैं। हाँ मेरे नाम आपको बड़े ही अजीब लग रहे होंगे, पर यही नाम थे रेड ने रखे। Obtained the HM3. Oh, and take this HM3 surf. Now that you have a water type Pokemon and HM3 surf, you can cross the sea. You don't even need to teach it to your Pokemon. Up ahead is Cinnabar Island and Seafoam Island. I heard people say that there's a legendary Pokemon that lives there. Good luck, Red. Wait, aren't you going to come with me? I am a gym leader. I have a responsibility. Okay, the only reason I followed you this far was that I figured you would have trouble crossing the sea. Take good care of Gyarados, Red. हाँ बिल्कुल, वो हमारा ही गैराडोस था, हमने ही तो पकड़ा था। आई विश आई कुड स्टे बट मिस्टी। एंड ऑफ डीप सी सर्च। तो हमें मिल गया है हमारा नया पोकेमॉन गायरा, 30 लेवल का ही है। तो हम एक काम करते हैं, कहाँ गया हमारा पिका आइटम टेक। तो अब सामने से हमें मिलेंगे वाटर टाइप पोकेमॉन। तो रुको मुझे एक फायर टाइप अटैक किसी को भी सिखाना होगा। कहाँ गया फ्लेम चार्ज? अरे यार मैंने इसे क्या दे दिया?
अच्छे अच्छे मूव्स मुझे सिखाने चाहिए अपने पोकेमॉन्स को। तो ये फ्लेम चार्ज किसे आता है? नॉट एबल, किसी को भी नहीं आता है यार। क्या मुझे एक फायर टाइप अटैक चाहिए था। तो स्ट्रेंथ सिखा देते हैं हमारे स्नोर को। एक फाइटिंग टाइप मूव है शायद, नहीं नॉर्मल टाइप ही होगा। हाँ नॉर्मल टाइप ही है। इसका डैमेज कितना है? 80। तो हम इसे लिक की जगह रखेंगे। लिक वैसे, लिक से याद आया कि मेरे एक दोस्त का एक चैनल है। अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है तो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोबाइल के गेम्स। वैसे मैं जीबीए गेम्स खेल रहा हूँ, उसमें भी मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्या करें, कोई बात नहीं। अब मैं बहुत अच्छी तरह से सीख गया हूँ मेरे कंट्रोल्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे देखने दो, सबसे कम लेवल है हमारे स्नोर की, और फिर ईव की, फिर गायरा की। तो हमें रखना चाहिए पीका को सबसे सामने, क्योंकि इसके बाद वाटर टाइप पोकेमॉन आने वाले हैं, जिसको हराने के लिए हमें पीका को सामने रखना पड़ेगा। तो हम एक्सपी शेयर दे देते हैं स्नोर को, ताकि उसका लेवल बढ़ता ही जाए। और लाइट बॉल वापस दे देते हैं हमारे पीका को। कहाँ गया लाइट बॉल? लाइट बॉल, लाइट बॉल गिव। अरे यार, मैंने अपने पोकेमोन की समरी कभी नहीं देखी यार, मुझे एक बार देखने दो। तो ये है हमारा पीका। फिर आता है हमारा सोर। ओवरग्रो अप्स ग्रोस मूव्स इन अ पिंच। स्नोरलैक्स पॉलीब्रैथ। ठीक है, सौर ने कुछ तो भी पकड़ा है। मिरेकल सीड, हाँ मैंने ही तो दिया था इसको मिरेकल सीड। गिव वापस दे देते हैं यार। मिरेकल सीड बड़ा अच्छा है, इसकी वजह से ही ये फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को भी आसानी से हरा देता था। और गायरा को हम दे देते हैं आइटम गिव। कुछ है क्या गायरा को देने के लिए? थिक क्लब, अ हार्ड बोन ऑफ सम सॉर्ट टू बी हेल्ड बाय अ क्यूब बोन और मैरोवाइक, इट राइजेस द अटैक स्टैट। कुछ नहीं है शायद, कुछ भी नहीं है। सॉरी गायरा। चलो सात समुंदर पार, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपना शहर आया यार, निंजा हथौड़ी इसका नाम आया यार। रिपेल्स ले लेते हैं यार, 21। बस इतने रिपेल्स काफ़ी है हमारे सफ़र के लिए। सबसे पहले मैं अपना रिपेल यूज़ कर लूँ। तो मैंने अपना रिपेल यूज़ कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सफ़र की ओर। चलो गैरेडोस, अब हमें जाना है नए सफ़र पर। द वाटर इज डाइड अ ब्लू, वुड यू लाइक टू सर्फ? हाँ बिल्कुल। अरे विनोसर क्यों यूज़ कर रहा है? और ये तो पॉलीब्रैथ है लगता है ना? अरे यार, अच्छा अच्छा हुआ हमने पिकाचू को सामने रख दिया। तो हमने पहले वाटर टाइप ट्रेनर को हरा दिया है, पर हमारे पिका की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, इसलिए मैं यूज़ करूँगा सुपर पोशन। ले सुपर पोशन खा ले पिका।
बीकॉम आइलैंड पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, यहाँ पर एक केव है। गैरेडोस, इका, पॉलीग्रैथ, ईवी, वाओ। द ट्रीज एंड द ग्रास दे आर कवर्ड इन स्नो। डिड आर्टिकुनो डू दिस? ओके गाइस, अवर अपोनेंट दिस टाइम इज अ लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो। इफ यू सेंस एनीथिंग लेट मी नो इंस्टेंटली। चैप्टर 19 आर्टिकुनो चैप्टर। तो हम ये वाला चैप्टर भी खेलेंगे। चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ तो बहुत सारे केव है। तो यहाँ पर तो एक पज़ल है, तो इससे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले मैं अपने इस यहाँ पर एक सेव कर लेता हूँ, ताकि अगर गड़बड़ हो तो हम वापस खेल सके। मैं चिटिंग नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ अ जायंट बिल्डर, मे बी अ पोकेमॉन इज एबल टू पुश इट। हाँ बिल्कुल, हमें स्ट्रेंथ यूज़ करना है। बिना सॉर्ट स्ट्रेंथ यूज़ किया तो इसे यहाँ खिसक गया, उसे वहाँ खिसक गया, इसे वहाँ पर खिसक गया, और फिर इसे यहाँ पर खिसक गया, इसे 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 ऐसे ले गया। हो गया, मैंने पज़ल कंप्लीट कर दिया है। वाह, हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आर्टिकुनो हो सकता है। वाह, ये तो आर्टिकुनो है। इट्स आर्टिकुनो, वाई इजंट इट मूविंग? टीम रॉकेट, दिस इज अवर आर्टिकुनो, डोंट गेट इट अवर किड, अवर वे किड। यू गाइस डिड दिस टू कार्टिनो, कार्टिनो नहीं आर्टिकुनो। मेरी इंग्लिश बहुत ही बिगड़ चुकी है, मुझे एक इंग्रो ऐप यूज करना चाहिए। मैंने इसका स्पॉन्सर नहीं लिया है। टस्क टस्क, यू नो नथिंग अबाउट आर्टिकुनो, येट यू वॉन्ट टू टेक इट अवे फ्रॉम अस। आर्टिकुनो इज अ पोकेमॉन दैट डिसलाइक्स फाइटिंग। व्हेन इट सेंसेस द प्रेजेंस ऑफ डेंजर, इट विल सस्पेंड इटसेल्फ, लीविंग इट इमोबाइल। यू आर नॉट टेकिंग आर्टिकुनो, ओ व्हाई आर यू गोना स्टॉप अस? हाँ बिल्कुल, स्लो ब्रो। हाँ इट इज गेटिंग अवे, लीव दैट रैट, आर्टिकुनो इज फार मोर इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तरफ क्या है? टिन 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 टिन। यहाँ तो रॉक स्मैश यूज़ करना है, पर मेरे पास यही नहीं रॉक स्मैश। पता नहीं वो रॉक स्मैश कहाँ था। अरे यार मेरे से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार रिपेल यूज़ कर लेते हैं। यार मैंने रिपल्स नहीं यूज़ किए थे क्या? लगता है नहीं यूज़ किए, इसलिए पोकेमॉन आ गया। मतलब तो मैं अब डायरेक्ट केव के बाहर निकलने के बाद ही आपके साथ बोलूँगा, पर मैं रिकॉर्ड करते ही रहूँगा ताकि आपको पता लगे कि कहाँ से जाना है। शायद ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है, तो हम जाएंगे आगे। अरे यार यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। शायद इस तरफ से जाना है। इस तरफ से क्या है? यहाँ से तो मैं आया था। अब यहाँ से क्या है? ओ टीम रॉकेट, दैट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर यू किड। इट्स सो इजी टू गेट फार इन टीम रॉकेट। ऑल आई हैव टू डू इज किल अ लिटिल किड एंड आई विल बी गेट प्रोमोटेड। इफ यू डिड नॉट हैव एनी पोकेमॉन राइट नाउ आई डिड किल यू। सच में क्या?
I have orders to eliminate you, a little kid. Huff, huff. I still have one more Pokemon left. What? I can't do it. What have I turned into? A person who was going to murder a child? I can't do it. This is the reason. Once they find out, the self-destruct chip they have implanted in me will activate killing me. Is he acting? I know what I must do. He kya? शायद वो पानी में कूद गया अपने आप को बचाने के लिए. तो हमने इसे भी हरा दिया है. अब हम बढ़ते हैं आगे ताकि हम आर्टिकुनो को बचा पाए. आर्टिकुनो में आ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से आना है पर आ रहा हूँ. तो हमने इसे भी हरा दिया है. सबसे पहले हम पोकेमोन को ही कर देते हैं क्योंकि मिस्टर माइम ने हमारी पूरी टीम तबाह कर दी. एक ही रिवाइव है, वाओ. एक रिवाइव आई ना, का करूं. पटकन चला रे बाबा इतुन. तो हम बाहर निकल गए हैं. इधर क्या है? नाउ वेयर इज आर्टिकुनो? आई बेटर नॉट गेट टू क्लोज. तो हमें किस तरफ जाना है? इस तरफ. वी लॉस्ट आर्टिकुनो बिकॉज ऑफ यू. यू न्यू वे टू मच. दिस place is going to be your burial ground. Urg! How disappointing. I thought you'd be a lot stronger considering you have defeated both Altisearch and Koga. If only my Pokemon were at full health, I would have defeated both you easily, perhaps, but we will never know now. Goodbye, kid. Oh, Articuno. It's Articuno. Quick, after it. Reporting all squad members. Articuno is heading north from Sea Foam Islands. Go after it. I am safe, but at the cost of Articuno giving up its own safety by coming out of hiding to protect me. End of Articuno chapter. तो हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए सायोनारा.